बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास डेढ़ घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा दो सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वह आधा पानी ही घर तक पहुँचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले दो सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पहुंचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है, फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरह ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता। दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। आशा करती हूँ आप इस सीख को जरूर अपनाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।